हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि मध्य प्रदेश में मूलभूत दक्षता उन्नयन हेतु आनंददायी अधिगम गतिविधियाँ जो है प्राथमिक स्तर की, वह 1 अप्रैल से जो है वो शुरू होने वाली है। तो मूलभूत दक्षता उन्नयन से संबंधित यह पूरा वीडियो है प्राथमिक स्तर के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो विषय है वो विषय है हमारा हिंदी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा मूलभूत दक्षता उन्नयन हेतु जो गतिविधियां और जो अधिगम गतिविधियां जो चलाई जाएगी अप्रैल माह में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो उसी से संबंधित है। तो मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्राथमिक स्कूल में और माध्यमिक स्कूल में इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन अधिगम गतिविधियों से परिचित हो सके। मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं इस वीडियो को अच्छे से अच्छा रूप दे सकूं, फिर भी अगर कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो पूरा जो परिचय है विषय हिंदी का, वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो जो 1 अप्रैल से हमारा आनंददायी शिक्षण सत्र जो चल रहा है, उसमें हमको करना क्या है, उसमें हमें बच्चों से दोस्ती करना है, उन्हें बोलने की अनुमति देना है और उन्हें प्रश्न पूछने देना है और उन्हें हमें भरोसा भी दिलाना है। यानी कि कुल मिला के हमें उन्हें बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फियर जो है वो स्कूल में देना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ये प्रस्तुति है। तो एक निवेदन जो है वो हम पढ़ लेते हैं शिक्षकों से। जैसा कि हम सबको विदित है कि इस वर्ष शिक्षण सत्र जो है वो अप्रैल माह से प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें सत्र का प्रारंभ जो है वो स्कूल चले हम से किया जाता है, ठीक है। तो NCF 2005 तथा RTE के मार्गदर्शी बिंदुओं के अनुसार शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए तथा सीखने की प्रक्रिया जो है वो आनंददायी वातावरण में होना चाहिए, अर्थात सीखने के वातावरण को आनंददायी बनाने के लिए जॉयफुल लर्निंग से सत्र जो है वो हमारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए गतिविधियों को मज़ेदार बनाने के लिए हमें इस तरह का वातावरण निर्मित करना चाहिए कि बच्चों को आपस में खेलना, बातचीत करना, कुछ मज़ेदार काम करना जिसमें नियम व तरीकों की स्वतंत्रता रहेगी, साथ ही बच्चों के स्वेच्छा को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। यदि सभी बच्चे कुछ निर्णय लेते हैं तो उसे ध्यानपूर्वक सुनकर यथोचित अनुमति व सहमति दी जाना चाहिए। अपेक्षा है कि माह अप्रैल व जून के कार्य दिवसों में सुझाई गई समस्त गतिविधियाँ खेल आपके विद्यालय में आवश्यक रूप से होंगे, जिस सभी बच्चों के में प्रारंभिक स्तर की मूलभूत दक्षताएं जो है वो प्राप्त होगी। तो आनंददायी अधिगम गतिविधियां जो है ये प्राथमिक स्तर की है। तो इसमें कुल कितनी गतिविधियां जो है हमें करवाना है उसकी मैं संख्या बताता हूं फ्रेंड्स आपको। उसमें लगभग हमको 30 गतिविधियां जो है वो कराना रहेगी, ठीक है। तो ये जो पूरा चार्ट है ये इन्हीं गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है। हम पुस्तकालय की अगर हम बात करें विधा की, तो इसमें 3 कैटेगरियाँ जो दे रखी है, वो है भाषाई खेल गतिविधि, अधिगम गतिविधि और आवश्यक सामग्री। तो हमारी जो गतिविधियाँ रहेगी वो इसी क्रम से रहेगी। शीर्षक अंत्याक्षरी जो रहेगी, तो उसमें अधिगम गतिविधि जो है वो शीर्षक बनाए कहानी रहेगी। इसमें आवश्यक सामग्री जो है वो वर्ण कार्ड, वर्णमाला और 12 खड़ी चार्ट जो है हमको आवश्यक होंगे। नाम में क्या रखा है, ये एक भाषाई खेल गतिविधि है और इसमें अधिगम गतिविधि है मैं कौन हूँ। तो इसमें भी आवश्यक सामग्री में वर्ण कार्ड, वर्णमाला और 12 कड़ी चार्ट जो है हमको आवश्यक होंगे। नेक्स्ट रहेगा किताब का हिसाब। इसमें शीर्षक बनाए कहानी में क्या खट्टा क्या मीठा, वर्ण कार्ड, वर्णमाला और 12 कड़ी चार्ट इसमें आवश्यक होगा। नेक्स्ट होगा हमारा चित्र ढूंढो, कौन बनेगा पुस्तक मणि, सही क्रम से लगाओ, मेरा हिस्सा कौन बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें बहुत सारी गतिविधियां जो हमको सम्मिलित करना है। नेक्स्ट क्रम रहेगा हमारा वो ये रहेगा कौन बनेगा चित्रमणि। तो इसमें जो अधिगम रहेगी वो रहेगा हमारा चित्र पर चर्चा। तो इसमें जो आवश्यक सामग्री लगेगी वो लगेगी वर्ण कार्ड, वर्णमाला और 12 कड़ी चार्ट। नेक्स्ट नंबर 7 की जो भाषाई खेल गतिविधि रहेगी वो रहेगी ढूंढे अंतर। तो इसमें जो हमारी अधिगम गतिविधि रहेगी उसका नाम रहेगा क्या समान और क्या असमान। तो इसमें पर्याप्त रंगीन पेंसिल
हम यूज़ करेंगे वर्ण कार्ड, वर्णमाला और बाराखड़ी चार्ट का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा चित्र देखकर कविता सुनाएं, इससे हमारी अधिगम की जो प्राप्ति होगी वो चित्र वर्णन। तो मछली, आम, चंदा पेड़, टमाटर, वर्षा का चित्र, पर्याप्त रंगीन पेंसिल, वर्ण कार्ड, वर्णमाला और बाराखड़ी चार्ट की हमको आवश्यकता होगी। उसी प्रकार कविता सुनाएं, चित्र बनाएं, चित्र वर्णन, इसमें भी हमको दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि राष्ट्रीय त्यौहार के चित्र और पोस्टर की आवश्यकता होगी और पर्याप्त रंगीन पेंसिल, वर्ण कार्ड और वर्णमाला और बाराखड़ी चार्ट की हमको आवश्यकता होगी। हमारी शाला ऐसी हो और इसमें भी हमको चित्र वर्णन अधिगम गतिविधि जो है वो करवाना है तो पर्याप्त रंगीन पेंसिल, वर्ण कार्ड, वर्णमाला और बाराखड़ी चार्ट की हमको आवश्यकता होगी। तो 11 नंबर पे रहेगा हमारा प्यारी पूसी आग आगे जाओ, इस पर भी चित्र पर चर्चा करो तो पर्याप्त रंगीन पेंसिल, वर्ण कार्ड, वर्णमाला और बाराखड़ी चार्ट की हमको आवश्यकता होगी। उसी प्रकार मूक अभिनय से पानी का उपयोग, स्वास्थ्य, वाक्य बीमार वाक्य, कहानी बनाना, वाक्य की यात्रा, चू चू करती आई चिड़िया से, इससे पक्षियों के नाम की पर्चियाँ जैसे कि कौवा, कोयल, गोरैया, चिड़िया, कबूतर, मोर, तोता आदि की हमको आवश्यकता होगी चित्र की, और वर्ण कार्ड और वर्णमाला चार्ट बाराखड़े की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड इसी प्रकार ये जो गतिविधियाँ हैं हमको करवाना है तो कुल गतिविधियाँ जो रहेगी वो रहेगी इसमें 30। लास्ट गतिविधि जो रहेगी हिंदी की वह है फल कहाँ लगा है, तो इसमें जो दानी पेड़ है उसके माध्यम से हमको ये गतिविधि कराना है, ठीक है। आगे हम देखें तो और भी कुछ बातें जो हैं वो हम देख लेते हैं। माह अप्रैल जून में आयोजित मूलभूत दक्षताओं के उन्नयन हेतु आनंददायी अधिगम गतिविधियां आयोजित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया जो है वो ये है, प्राथमिक स्तर पर 1 व 2 में अध्ययन बच्चों के समूह के लिए, और इसमें हमको जो समूह बनाना वो इसी स्तर से बनाना है, और कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत बच्चों के समूह के लिए, और माध्यमिक स्तर पर हमको बनाना है कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है। समूह निर्माण हेतु बच्चों का चिन्हांकन जो है हमको निम्न आधार पर करना है। पहला आधार है विगत सत्र में बच्चों की कुल उपस्थिति में से 50% या इससे कम उपस्थिति वाले बच्चों को मूलभूत दक्षताओं के हम प्रथम स्तर पर रखेंगे। दूसरी बात, कक्षा 2 में अध्ययनरत बच्चों को चिन्हांकन करके उनके द्वारा वार्षिक परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर उनका स्तर जो है वो निर्धारित करेंगे। कक्षा 1 के बच्चों को शाला पूर्व गतिविधियाँ जैसे कि कविता, कहानी को दोहराना, खेल खिलौना, कागज और मिट्टी के खिलौने बनाना, आड़ी तिरछी रेखाओं को खींचना आदि की गतिविधियां जो है हम करवाएंगे। कक्षा 3 से 5 व 6 से 8 में शिक्षक स्वयं के अनुभव के आधार पर एवं ऑनलाइन टेस्ट के परिणाम से भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके शाला में दर्ज बच्चों को हिंदी विषय के अंतर्गत मूलभूत दक्षताओं में क्या क्या सीखना शेष हैं, और बच्चों के चिन्हांकन के समय यह ध्यान रखा जाए कि कौन कौन से बच्चे पुस्तक को पढ़ पाते हैं, श्रुत लेख लिख पाते हैं, और कौन से बच्चे अटक अटक कर पढ़ते हैं या लिखते हैं, और कौन से बच्चे अभी पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। और जो हमको बात याद रखना है कि हिंदी विषय में वर्ण पहचानने में कठिनाई है, ऐसे बच्चे जिन्हें शब्द को पढ़ने व लिखने में असुविधा होती है, ऐसे बच्चे जिन्हें वाक्य की संरचना को लिखने, पढ़ने या समझने में परेशानी होती है आदि का स्तरवार निर्धारण हमको जो है करना है। आनंददायी अधिगम के दौरान बच्चों की बैठक व्यवस्था कक्षावार नहीं होगी। बेहतर होगा कि शाला में जितने कक्ष हैं यदि उसी के अनुपात में शिक्षक हैं तो बच्चों के मिश्रित समूह इस प्रकार विभाजित किए जाएं कि प्रत्येक शिक्षक को समान संख्या में समूह का उत्तरदायित्व जो है वो मिल सके। पदस्थ शिक्षक के अनुसार विभाजित करते हुए समूह बनाएं, जिससे कक्षा 1 व 2 के बच्चों का एक समूह, 3 से 5, 6 से 8 के बच्चों के शिक्षक की संख्या के अनुसार जो है वो समूह बनाए जाएँ। स्तरवार निर्धारण के चिन्हांकन उपरांत शिक्षकों की संख्या के आधार पर ऐसे समूह बनाए जिसमें प्रत्येक समूह में अधिगम 8 से 12 तक के बच्चे सम्मिलित हो। ऐसे 8 से 12 बच्चों के समूह शाला की छात्र संख्या के आधार पर निर्माण किए जाएं और शिक्षक द्वारा समस्त समूहों का विभाजन शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि शिक्षकों के मध्य लगभग समान संख्या में समूह विभाजित हो सके। तो और भी इसमें हम बात जो रखेंगे वो ये है कि समूह बनाने के उपरांत जॉयफुल लर्निंग गतिविधि की प्रक्रिया अपनाए जाने के दौरान यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों के प्रत्येक 8 के समूह में सभी स्तर के बच्चे जो है वो सम्मिलित हो जाए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्तर के बच्चों की संख्या समान हो। जिस स्तर के बच्चे शाला में अधिक संख्या में होंगे
उन्हें लगभग बराबर बराबर संख्या में जो है निर्मित समूह में विभाजित किए जाएंगे। और उदाहरण के लिए यदि किसी शाला में 45 बच्चे दर्ज है और 2 शिक्षक है तो शाला में न्यूनतम कुल 6 समूह जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें समूह क्रमांक 1 में 8 बच्चे, 2 में 8, 3 में 8, 4 में 7, 7 फिर 6 में 7 बच्चे। तो मान लीजिए उन 45 बच्चों में वर्ण स्तर पर अगर कुल 18 बच्चे हैं तो शब्द स्तर पर कुल 16 बच्चे हैं, और वाक्य स्तर पर अगर 7 बच्चे हैं और स्तर पूर्ण करने वाले कुल 4 बच्चे हैं, तो समूह में कुछ इस प्रकार का जो है विभाजन हमको करना है। समूह एक में कुल 8 बच्चों में से वर्ण स्तर के 3 बच्चे लेना है, शब्द स्तर के 3 लेना है और वाक्य स्तर के जो है वो 2 बच्चे लेना है, ताकि पूरा एक बैलेंस बना रहे। समूह क्रमांक 2 में कुल 8 बच्चों में से वर्ण स्तर के 3 लेना है, शब्द स्तर के 3 लेना है और वाक्य स्तर के 2 बच्चे लेना है। 3 में 8 बच्चे तो वही वर्ण स्तर के 3, शब्द स्तर के 3 और वाक्य स्तर का 1 बच्चा लेना है और पूर्ण स्तर वाला 1 बच्चा लेना है। वैसे ही समूह 4 में, 5 में और 6, यानी कि हमको इस अनुसार जो है समूह का निर्धारण करना है। और अगर कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं तो हम उनकी संख्या जो है बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक समूह में प्रतिदिन सुझाई गई सुझावात्मक गतिविधियों को कराते हुए प्रत्येक स्तर की गतिविधियाँ सुझाव अनुसार जो है हमको कराना है और बच्चों को जो है सीखने के हमको पर्याप्त अवसर देना है। पूर्ण स्तर पर बच्चों का उपयोग शिक्षक, पीयर, लीडर, मॉनिटर के रूप में करते हुए उनका भी सहयोग जो है हम ले सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्चों को शाला समय के दौरान गतिविधियों में दिए गए खेल के अतिरिक्त अन्य स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों को भी हमको सम्मिलित करना है। यह कार्य शिक्षक स्वयं विवेक के आधार पर कर सकते हैं। और गतिविधियाँ कराने के दौरान ध्यान देने कुछ योग्य सुझाव हैं। गतिविधियाँ हिंदी व गणित की सुझाई गई हैं, अतः एक समूह में एक विषय तो दूसरे समूह में दूसरा विषय का चयन भी शिक्षकों द्वारा शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर करना है। गतिविधि को मज़ेदार बनाने के लिए इस तरह का वातावरण हमको निर्मित करना है कि बच्चों को आपस में खेलना, बातचीत करना, कुछ मज़ेदार काम करना जिसमें नियम तरीकों की स्वतंत्रता हो, ही आयोजित करना है। बच्चों को स्वेच्छा को ज़्यादा महत्व दिया जाए। यदि सभी बच्चे कुछ निर्णय लेते हैं तो उसे ध्यानपूर्वक सुनकर हमको जो है उसकी सहमति देना है। उसी प्रकार बिंदु 4, 5 और 6 का जो है हमको ध्यान रखना है, 7, 8 का भी हमको जो है ध्यान रखना है। तो कुल इसमें जो 15 बिंदु दिए गए हैं उसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर हेतु पुस्तकालीन आनंददायी अधिगम गतिविधियां जो है वो हमको करवाना है फ्रेंड्स। और पुस्तकालय का जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि पुस्तकें बच्चों के अधिगम प्रक्रिया का अंग बने, पुस्तकों के माध्यम से बच्चे अपनी शैक्षिक दक्षताओं को बढ़ा सकें, पुस्तकें बच्चों के गुणात्मक विकास में सहायक हो और बच्चे पुस्तक पढ़कर ज्ञान और जानकारी के नए स्रोत से परिचित हो सके, बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, पुस्तकें मनोरंजन का श्रेष्ठ साधन है, शिक्षक पुस्तकों को संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग कर सके और पुस्तकों से बच्चों में साहित्यिक प्रवृत्तियों का जो है वो विकास हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पुस्तकालय के उद्देश्य होंगे। तो ये मैंने एक संक्षिप्त वीडियो जो है फ्रेंड्स आपके लिए बनाया है। तो ये जॉयफुल लर्निंग यानी कि आनंददायी अधिगम जो है उसका एक परिचय है, ठीक है। गतिविधियाँ जो होगी, सारी गतिविधियाँ जो है 30 गतिविधियों के मैं लगभग 30 वीडियो जो है वो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर इसमें कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। और उस पूरे वीडियो की PDF फाइल के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मूलभूत दक्षता उन्नयन हेतु आनंददायी अधिगम गतिविधियाँ का ये एक परिचय वीडियो था, प्राथमिक स्तर का विषय हिंदी का। तो जितनी भी गतिविधियाँ होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उन सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ आप शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।